हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दूध के अलावा किन चीज़ों में होता है कैल्शियम और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा। तो चलिए जानते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। ये समस्या बढ़ती उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। कुछ लोग शरीर में कैल्शियम की कमी को डेयरी प्रोडक्ट के साथ उसको यूज करके अपने ये कैल्शियम को पूरा करने में लगे रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी फैट को बढ़ाता है, ये हमारे मोटापे को बढ़ावा देता है। तो ऐसे में जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नंदिता शाह ने कैल्शियम की कमी को पूरा करने का एक बेजोड़ फार्मूला बताया है। डॉक्टर नंदिता शाह का कहना है कि पशुओं से जो हमें दूध मिलता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम एक मिनरल है जो ज़मीन में उगने वाले पौधों, फलों और सब्जियों में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पशुओं को भी कैल्शियम इन्हीं चीज़ों से मिलता है। इसीलिए दूध की जगह आप ज़मीन में उगने वाली चीज़ों से कैल्शियम की कमी को पूरा करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दूध से भी 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम किसमें पाया जाता है? तो चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर नंदिता शाह ने ये भी बताया है कि तिल के बीज शरीर में कैल्शियम की कमी को ज़्यादा तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। 100 ग्राम तिल के बीजों में गाय के दूध से भी 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा हमें मोरिंगा के पत्ते, साबुत अनाज, मेवा और हरे पत्तेदार फलीदार सब्जियों से भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है। दोस्तों, तो चलिए आइए जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से होने वाली समस्या। ज़्यादातर लोगों में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने लगती है। इस घातक रोग से इंसान की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। इसे दूर करने के लिए कुछ लोग तो कैल्शियम की टेबलेट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैल्शियम की दवाओं से ये रोग दूर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपनी डाइट में कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, विटामिन डी और खनिज पदार्थों को शामिल करना चाहिए। डाइट में पहले से ही मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेल देन, टेक केयर, बाय।